हाँ जी पहले ही ब्रह्मा कुमारियों ने ग्लानी सुना दी होगी तो आपकी बात मत्थे नहीं चढ़ी, इतना बैठा कि हाँ वो भी बेकार ये भी बेकार। जब उनका टाइम होगा तो निकल पड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी और महारानी और नौकरानी और ये मैतरानी तीनों सब के आगे रानी तो सब लगा। क्या कभी राजा नहीं बनते हैं? किसी जन्म में राजा नहीं बनती आत्मा है? नाम एकदम मैत्रानी। हाँ अपने अपने घर के तो सब राजा होते हैं कि नहीं? जो अपना घर है उस अपने घर में आदमी राजा होता है कि नहीं होता है? तो उसकी रानी होगी कि नहीं? और गीता पाठशाला में क्लास सीखते हैं उसका संगम क्लास रखे जाते हैं। हाँ ओरिजिनल कॉपी या फोटो कॉपी पावन हेड ऑफिस के यहाँ हेड ऑफिस में भेजने के लिए ओरिजिनल फोटो कॉपी अपने पास रख लो। और आत्मा एक जन्म में स्त्री बनती है, एक जन्म में पुरुष बनती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो जन्म लगातार स्त्री के या दो जन्म लगातार पुरुष के मिल जाते हैं। अगर मान लो किसी के पुरुष वृत्ति के संस्कार इस जन्म में ज्यादा हो गए और अगले जन्म में उसने खुदा न खास्ता स्त्री का जन्म ले लिया, तो जो थोड़े ज्यादा संस्कार हैं वो दाढ़ी ले आएंगे। वैसे तो अभी इस जन्म में बहुत देखा जाता है कि हार्मोन्स चेंज होते हैं, स्त्री से पुरुष बन जाते हैं इसी जन्म में और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं। ये संकल्पों की बात है। संकल्प और संस्कार आत्मा को स्त्री पुरुष में चेंज कर देते हैं। और मुरली लाल भाई पराकुर कल शुक्रवार को स्कूल छोड़ेंगे। हाँ तो
तो अपने परिवार से यही कहते थे कि हमारा सामान दे दो, सामान का नाम नहीं रखते थे। भाई दिन या भाई जब किसी बाबा को याद करो सब चीज़ हो जाएगा, सब मिल जाएगा। ऐसे करते करते कल जो है लास्ट में कहीं छोड़े तो फिर यही कहे, अच्छा ठीक है सामान मत दो बाबा के याद, सामान नहीं दिए बाबा के याद करो, ऐसे नहीं छोड़े। ध्यान में चल रहे थे, बच्चिया टिकी हुई थी, तो क्या सामान मांगते थे कोई ने पूछा नहीं, नाम नहीं है उसके थे नाम नहीं रखा। तो कोई प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई होगी जो उनसे बुलवाती थी। और चिट्ठी में तारीख डालना भूल गए, दे दीजिए तो तारीख डाल दे। बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया है इस संबंध में? बाबा ने कोई डायरेक्शन दिया कि नहीं दिया? बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया, ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, ये अयथार्थ चित्र है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा का तो ओरिजिनल चित्र है, बाकी विष्णु का और शंकर का जो चेहरा है वो तो ब्रह्मा का ही लगा दिया। शंकर के चेहरे में से मूछें गायब हैं, विष्णु के चेहरे में मूछें नहीं है, लेकिन तामझाम ढेर सारा दिखा दिया, चेहरा तो वही ब्रह्मा का रखा हुआ है। बता दिया ना, तीन सीट्स फिक्स हुई हैं, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, तो जब ब्रह्मा बोला तो साबित हो जाता है ब्रह्मा कौन, ब्रह्मा संपूर्ण स्टेज में क्या बनता है, विष्णु बन जाता है, तो विष्णु वाली आत्मा का पार्ट उसकी सीट फिक्स है। बाप जो बाप टीचर सदगुरु ग्रुप में पार्ट बजा रहा है, और तीसरी सीट बताई जगदम्बा, जगत पिता है तो साथ में जगदम्बा भी है। और तीनों वर्तमान में चाहिए तब गायन चलता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व के ऊपर ये तिरंगा विजय प्राप्त करता है, वो कपड़े का नहीं, कपड़ा शरीर का गायन है, कोई शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं वर्तमान समय में जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं, उनका ओरिजिनल चित्र डालना चाहिए, लेकिन चित्र डालने वालों का अपना चरित्र भी तो देखा जाएगा।
नहीं तो हैदराबाद वालों ने चित्र छपाई दिया था, फिर प्रत्यक्षता हो गई क्या? याद एक याद ही 100% हो जाए तो चारों सब्जेक्ट ऑटोमेटिक 100% हो जाएंगे। याद में फेल तो चारों सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। हाँ जी, बचपन के दिन भुला न देना आज, बचपन के दिन भुला न देना आज हंसे कल रुला न देना। जब ज्ञान में आते हैं तो बड़ी खुशी खुशी से आते हैं, सरेंडर होते हैं तो भी बड़ी खुशी खुशी से सरेंडर होते हैं, सत्वप्रधान स्टेज होती है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, शिशु अवस्था में होता है तो माँ बाप को कितनी खुशी देता है, बातचीत करने में, चलने में, व्यवहार में खुशी ही खुशी। फिर तमोप्रधान बनता है तो दुखदाई हो जाता है। तो ऐसे यहाँ भी पुरुषार्थ की शूटिंग हो रही है चार अवस्थाओं से, चारों युगों की शूटिंग यहाँ हो रही है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, चौथी अवस्था में से जब आत्मा गुजरती है तो भगवान बाप भी बोलने लगते हैं, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया है। तो आज हंसे कल रुला न देना। मामा, ब्रह्मा कुमार बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष का उम्र में भी चश्मा नहीं लगाते हैं, चश्मा नहीं लगाते थे। हाँ, मुरली लिखते थे हैं, मुरली लिखते थे बिना चश्मा। हाँ, और ये शिव बाबा है, इनकी 3 आत्माएं हैं, तो चश्मा क्यों लगा? सीढ़ी के चित्र में जो नीचे एक खड़ा हुआ है ब्रह्मा बाबा, देखा देखा कि नहीं देखा? वो ज्यादा तमोप्रधान बनता है या जो कांटों की सैया पर पड़ा हुआ भारत है राम वाली आत्मा, वो ज्यादा तमोप्रधान बनती है? है तो ज्यादा शरीर तमोप्रधान किसका बनेगा? ज्यादा आंखें पतित तमोप्रधान किसकी बनेगी? है राम वाली आत्मा की। तो ब्रह्मा कुमारियों को जवाब नहीं दे सकती? पूछते क्यों है? तुम्हें सीढ़ी का चित्र समझाया नहीं क्या? एडवांस में सीढ़ी का चित्र नहीं समझा? उनको बताओ कृष्ण की आत्मा न ज्यादा तमो प्रधान बनती है न सतो प्रधान बनती है, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियन से न ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं न तमो प्रधान बनते हैं, न ज्यादा सुख भोगते हैं न ज्यादा दुख भोगते हैं। तो क्रिश्चियन से बाद में आते हैं और कृष्ण तो पहले आता है, तो कृष्ण से राशि मिलाई गई है क्रिश्चियन की, तो कहां से उठाई गई ये बात? संगम युग से। संगम युग में भी कृष्ण की जो आत्मा पार्ट बजाती है वो ना ज्यादा सतो प्रधान और ना ज्यादा तमो प्रधान पार्ट बजाती है, उसको श्याम सुंदर नहीं कहेंगे। दादा लेखराज के पार्ट को श्याम सुंदर नहीं कहेंगे, इतना काला और इतना गोरा और कोई धर्म में नहीं होता। वो तो चंद्रवंश है, चंद्रमा है, चंद्रमा न ज्यादा काला न ज्यादा गोरा।
ये तो बाप का पार्ट है। श्याम सुंदर सबसे जास्ती काला पार्ट बजाता है और सबसे जास्ती गोरा पार्ट भी बजाते हैं। माता लोग बाप के पंखे का हवा देती है आपके ऊपर आ रही है है और बाबा है एक साथ ही सब चल रहा है इसके आगे मुझे याद नहीं है सब साथ ही सब जाए यहाँ कहीं तो एक हर वक्त मुझे नजर आता है किसी को याद करने की बाकी किसी को कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है वो तो ठीक है लेकिन अगर पूरी पहचान 100% नहीं हुई है तो याद किसको करेंगे माया हिलावेगी कि नहीं हिलावेगी अगर पूरी पहचान नहीं है पूरा ज्ञान नहीं है पूरी जानकारी नहीं है बीज की बाप की तो पूरे वृक्ष की जानकारी हो जाएगी नहीं हो जाएगी इसलिए ज्ञान भी जरूरी है और ज्ञान अगर बुद्धि में बैठा हुआ है तो सेवा भी जरूरी है जानते हैं सेवा करेंगे तो इस जन्म में खुशी का मेवा मिलेगा खुशी का मेवा मिलेगा तो उस खुशी से हम खुशी खुशी जो सेवा करेंगे वो सेवा हमारा ऊंच पद बनाएगी और जब सेवा दूसरों की करेंगे तो अपनी धारणा में सुधार होगा या नहीं होगा अपनी धारणा में भी सुधार होगा चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं ज्ञान में तीखा नहीं होगा सुनने सुनाने के आधार पर नहीं धारण करने के आधार पर ज्ञान में तीखा होगा तो याद में भी तीखा जाएगा ज्ञान का फाउंडेशन कच्चा है तो याद में तीखा नहीं जा सकता जो जितना बड़ा ज्ञानी होगा वो उतना बड़ा योगी होगा फिर ये भी बताया कि जो जितना बड़ा योगी होगा उतना बड़ा सहयोगी होगा सहयोगी माने सेवाधारी सेवा में बहुत तीखा होगा और सेवा दूसरों की तभी कर सकेगा जब खुद के जीवन में धारणा प्रैक्टिकल में होगी प्रैक्टिकल जीवन में धारणा नहीं होगी तो सेवा हो ही नहीं सकती और अंत में राम ही रावण बनता है तो ये बेहद की दुनिया में या ब्राह्मणों की दुनिया में ये मतलब अपने एडवांस की दुनिया में स्थूल कर्म इंद्रियों से कौन सा ऐसा स्थूल कर्म इंद्रियों से कोई ऐसा पार्ट बाप का होगा कि सूक्ष्म में होगा कि मतलब कैसे सिद्ध होगा कि राम ही रावण बनता है ऐसा गायन तो नहीं है भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में गायन गायन तो नहीं है ऐसा कि राम ही रावण बनता है भक्ति मार्ग में गायन गायन नहीं है भक्ति मार्ग में गायन होना चाहिए जैसे यादगार होता है ना संगम का यादगार होता है ना तो अगर ऐसा संगम का यादगार भक्ति मार्ग में ये होना चाहिए कि राम रावण बन जाए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बाबा ने हमको बताई हैं लेकिन शास्त्र में वो बातें नहीं है तो भक्ति मार्ग में से कहाँ से निकालेंगे भक्ति मार्ग में तो शास्त्रों में सारा ही भूसा बता दिया जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों से बाप का कोई ऐसा पार्ट होगा या बाप का पार्ट बहुतों को अभी नहीं दिखाई देता रावण का
जब अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो रावण दिखाई देता है कि नहीं है? अभी तो उतना तमो प्रधान समय नहीं बना है, अभी दुनिया इतनी तमो प्रधान नहीं बनी है, तब ये हाल है। और आगे चलकर तो दुनिया और ही तमो प्रधान बनेगी कि सतो प्रधान बनेगी? और ही तमो प्रधान बनेगी। वाइब्रेशन दुनिया के बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? और ही ज्यादा बिगड़ेंगे। जो तमो प्रधान होते हैं वो विनाश करते हैं या सतो प्रधान विनाश करता है? है तामस जो है विनाश करता है। और सात्विकता पालना करती है और स्थापना करती है। जो भी धर्म पिताएं आए कोई भी विनाश नहीं कर सके, उनमें इतनी शक्ति नहीं है नीचे जाने की। जो जितना नीचे जाएगा वो उतना ऊपर जाएगा। ये प्रैक्टिस यहां पुरुषार्थी जीवन में हम डालते हैं। जैसे आठ के लिए बताया, 108 की माला तो फिर भी बन जाती है 100 की माला, लेकिन आठ में नीचे ऊपर बहुत होता है। आठ अभी अभी एक सेकंड में एकदम नीचे और एकदम ऊपर चले जाते हैं। ये उनके पुरुषार्थ की गुह्य गति है। जैसे कोई दौड़ दौड़ने वाले होते हैं, लंबी दौड़ होती है 2-4 किलोमीटर की, तो पहले धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं, लास्ट में जाकर ऐसी फास्ट दौड़ दौड़ते हैं कि सबको पीछे धकेल देते हैं। जैसे बाबर के जीवन का मिसाल है, कहां छोटा सा सिपाही था और उसी जीवन में क्या बन करके बैठ गया, सम्राट बन करके बैठ गया। तो ये आत्मा की गुह्य गति का पुरुषार्थ है। कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, कोई लेजी पुरुषार्थी होते हैं। और बाबा कृष्ण की भूमि को ज्ञान को सुनना क्यों पसंद नहीं करते हैं? वो जैसे कृष्ण की गोपियां उदो के ज्ञान को सुनना क्यों ना पसंद क्यों नहीं करती? कृष्ण की गोपियां होती ही नहीं है। गोपियां शिव बाबा की हैं कि कृष्ण की हैं? है शिव बाबा गुप्त पुरुषार्थ करना सिखाता है या कृष्ण की आत्मा सिखाती है? है तुम्हारा दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त। ब्रह्मा बाबा का गुप्त रहा या प्रत्यक्ष हो गया? है प्रत्यक्ष हो गया। तो गोपियां शिव बाबा की हैं। और सितंबर और दिगंबर जैन में उनके क्या अंतर हैं? जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं वो श्वेतांबर हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, और जो शंकर के फॉलोअर हैं वो काले कपड़े पहनते हैं। देखने में भले बाहर से काले आए नजर, लेकिन आत्मा ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करने वाली है या नीचे बैठ करके पुरुषार्थ करने वाली है? नीचे बैठ के ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करने वाली। इसलिए दिगंबर मंदिर सब ऊंची स्थान पर होते हैं। दिलवाड़ा में भी काली मूर्तियों का मंदिर ऊपर बना हुआ है और सफेद मूर्तियों का मंदिर नीचे बना हुआ है। और लेकिन पूर्णागिरी में ऐसा नहीं है, वहां पे जो काली मूर्ति काली माता का मंदिर है वो नीचे है। यहाँ जैन मंदिर की बात हो रही है। और बाबा मुरली में एक पॉइंट आया है कि में नहीं आ रहा ठीक है, ये
इसका क्या? कोई गोद में घुस के बैठ जाती है माता के, ये हमारी अम्मा है, ये हमारी मम्मी है, मम्मी है, ये हमारी दीदी है, दीदी है, दीदी है, ये सब फैमिलिटी यहाँ नहीं चलनी है, यहाँ सब एक बाप के बच्चे हैं और वो हमारा बाप है। आत्मा आत्मा भाई भाई, बाप और बच्चे और दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। कोई किसी की दीदी नहीं, कोई किसी की दादी नहीं। मुरली में तो ये भी बोल दिया, दादी कहां से आ गई यहां? यहां कोई संबंध है ही नहीं। यहां तो बाप आया, दुनिया भी सब संबंध खलास। ब्रह्मा के संबंध से हम भाई बहन है बस। उसमें भी माया आती है तो उससे भी ऊपर उठना है। आत्मा आत्मा भाई भाई। और फैमिलिटी बना के बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे भी जो पति पत्नी बना के बैठ जाते हैं, भाइयों भाइयों में, माताओं माताओं में, कन्याओं कन्याओं में। ये हमारे जन्म जन्मांतर का पति बनेगा, मैं इसकी पत्नी बनूंगी। ये सब क्या है? फैमिलिटी है। फैमिलिटी में जावेंगे तो पतन के गर्त में चले जावेंगे। आत्मा गड्ढे में जा रही है, जैसे ताकत ही नहीं रहेगी। और मुरली के बाद बाबा कैसे हम लोग रहेंगे आपके प्रदेश से? हैं 8 जनवरी के मुरली के बाद कैसे रहेंगे हम लोग आप? 8 जनवरी 18 जनवरी 2018 की बोल रहे हैं, 18 के बाद हैं मुरली के बारे में हम लोग कैसे रहेंगे? मुरली के द्वारा हम लोग कैसे रहेंगे? बाबा ने बोला जब तक जीना है तब तक जीना कायम है। जब तक देवान में जिंदा है तब तक मुरली की दरकार है। जब देवान खत्म हो जाएगा तो हमारे 84 जन्मों के पार्ट आत्मा में क्लियर हो जाएंगे, फिर हमको ज्ञान की दरकार रहेगी नहीं? तो आत्मिक स्थिति में टिकना, बाप को याद करना। और वो नंबर वार है, 2018 में सब नहीं हो जाएंगे। बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में। तो 76 से लेकर 2018 40 वर्ष, एक परिवार की इकाई से शुरुआत होगी सतो प्रधान बनने की। ऐसे नहीं सब एक साथ बन जावेंगे। उस पारिवारिक इकाई को सुनने की दरकार नहीं रहेगी। बाप समान स्टेज को प्राप्त कर लिया। बाकी जो हैं उनको और 10 वर्ष मिले हुए हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। और बता तो दिया 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। तो कैसे समझ में नहीं आया है? हाँ 76 से 18 तक 40 वर्ष, 50 वर्ष कब हुए पूरे? 28 तक हुए। 28 तक बाबा के बच्चों का टाइम है पीने का। उसके बाद 9 लाख सितारे तैयार हो जाते हैं, दुनिया में चमकेंगे। पीते ही रहेंगे कि पिलावेंगे भी? पिलावेंगे भी। और
ब्रह्मा कुमारी शब्द से भक्त लड़ेंगे कि बाबा मुरली में बोले हैं कि ब्रह्मा कुमारी शब्द से भक्त लड़ेंगे कि ये हमारी ब्रांच है, हमारा ये हमारा ब्रांच है। हाँ तो वो कौन से भक्त होंगे? लड़ना ही नहीं है, ब्रह्मा कुमारियों में झगड़ा नहीं होता है। जब झगड़ा होता है तो तुमको मना नहीं कर देती है, हमारी ब्रांच में नहीं आना, ये हमारा सेंटर है, हमारा घर है, कान पकड़ के निकाल के बाहर नहीं कर देती, नहीं किया फिर? और बाबा ने कहा है अंत में ऐसी स्थिति भी बनेगी कि हम अपने शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर से किसी के भी शरीर में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को चेंज करेंगे, तो क्या ऐसी स्टेज आठ ही आत्माओं की ही बनेगी या फिर 4.5 लाख आत्माओं की बनेगी? नौ लाख सितारों का गायन है या 4.5 लाख का गायन है? 9 लाख सितारे हैं जो आसमान में ऊंची स्टेज में चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो हैं जड़ सितारे, तुम बच्चे हो चैतन्य सितारे। तो जो 4.5 लाख जन्म लेने वाले हैं उनमें से तो अभी ही प्रवेश करके हमारी बुद्धि को चेंज कर रहे हैं। चंद्रवंशी आत्माएं सूर्यवंशियों में प्रवेश करके चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो 4.5 लाख का तो पार्ट अभी सूक्ष्म शरीर से चल रहा है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ बीज रूप स्टेज का है, हम बीज रूप आत्माएं हैं इसलिए क्षिप्र गति वाले हैं। जो साकार को याद करने वाले हैं वो चरित्रवान तो होते हैं लक्ष्मी की तरह, लेकिन पुरुषार्थ की दौड़ में तीखे दौड़ने वाले नहीं होते हैं। तो हमारी याद की यात्रा की स्टेज ऐसी है कि अंतिम स्टेज में जाकर के हम क्रॉस कर जाएंगे उनको, किनको? चंद्रवंशियों को, और हम बीज रूप स्टेज को स्थाई प्राप्त कर लेंगे। उस समय जब हम चाहें तो अपने स्थूल शरीर को त्याग करके दूसरों के शरीर में प्रवेश करेंगे, जैसे कि शिव बाबा है, वो तो एक ही मुकर्रर रथ में बाप बन करके प्रत्यक्ष होता है, सब में प्रवेश करके प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन जिस एक रथ में मुकर्रर रथ में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है वो जब बैल पर सवारी कर लेता है, बैल अर्थात ब्रह्मा की सोल के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, तो जब चाहे सूक्ष्म शरीर धारण करे और 108 आत्माओं में प्रवेश करके पार्ट बजाए, उनमें भी 11 रुद्रगण बहुत प्रसिद्ध हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगम गाए जाते हैं। टोटल मिला के 9 लाख आत्माएं ऐसी हैं जो प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं और बुद्धि को चेंज कर देती हैं। सिर्फ 8 की बात नहीं है लेकिन है नंबरवार, कोई तो अंत में जाकर के सिद्धि को प्राप्त करेंगी। शिव बाबा सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो यहाँ ज्ञान मार्ग में
सभी कन्याएं माताएं सीताएं हैं, क्यों सभी कन्याएं माताएं ही सीताएं हैं या पुरुष भी सीताएं हैं? है पुरुष भी सीताएं हैं, ये बात गलत है कि कन्याओं माताओं को ही सीता का है। तो सभी सीताओं को किस बात की परीक्षा देनी पड़ेगी? या मुख्य परीक्षा किस बात की है? है प्योरिटी की है, तो प्योरिटी की परीक्षा सभी सीताओं को देनी है। उनको द्रौपदी भी कहा है, तुम सब द्रौपदियां हो, मनसाब द्रौपदियों को दुर्योधन दुशासन तंग करते हैं। हाँ, बाकी जिनका स्त्री चोला है उनके लिए खास बात आ जाती है परीक्षा की। ईश्वरीय संदेश देने के लिए कोई भाई अपना लौकिक सर्विस फील्ड को बदल करके एक जिले से दूसरे जिले में, जहां कोई बाबा का बच्चा नहीं है, वहां अपना ट्रांसफर करा के जा सकता है या नहीं? क्यों नहीं जा सकता है? ऐसे फील्ड में जहां कोई भी ज्ञान में न चलता हो, वहां जाकर के ज्ञान देना तो और ही अच्छी बात है। मस्जिद में स्त्री पुरुष दोनों नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, सिर्फ पुरुष ही क्यों जाते हैं? है मस्जिद कौन से धर्म में बनती है? है मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम धर्म कौन से धर्म से निकला? इस्लाम धर्म से निकला। इस्लाम धर्म में पुरुष ज्यादा पतित होते हैं या स्त्रियां ज्यादा पतित बनती हैं? है पुरुष ज्यादा पतित बनते हैं, तो ज्यादा पतन के कारण वहां तमो प्रधानता भी पुरुषों में जास्ती होती है। तो स्त्रियों को ज्यादा बंधन में रखेंगे या कम बंधन में रखेंगे? बंधन में जास्ती रखते हैं, इसलिए हज करने स्त्रियां जाती हैं क्या? नहीं जाती। अजमेर शरीफ में इतना बड़ा मेला लगता है, उर्स का मेला, वहां भी पुरुष ही जाते हैं, मस्जिद में भी पुरुष ही जाते हैं, ईदगाह में भी पुरुष ही जाते हैं। और स्त्रियों को अगर इबादत करनी है तो घर में बैठ के इबादत करें। करप्शन की गुंजाइश नहीं रहने देते। इसलिए मुसलमानों में हिंदुओं के मुकाबले कम करप्शन है। दुनिया में सबसे जास्ती राजाई मुसलमानों ने भोगी है।
लंबे समय तक। और समंदर बहुत बड़ा होता है, जहाज एक एक जहाज की लंबाई चौड़ाई एक गांव और एक छोटे से शहर के लंबाई चौड़ाई के बराबर होती है। उसमें पेड़ पौधे भी तैयार कर लेते हैं, पक्षी भी आकर के निवास करने लग पड़ते हैं। तब जब जहाज एकदम समंदर में बीच में पहुंच जाएगा और पक्षी अगर जहाज को छोड़ करके उड़े भी तो उसे कहीं किनारा मिलेगा? कहीं किनारा नहीं मिलेगा, लौट के कहां आएगा? फिर उसी जहाज पर आ जाएगा। और एक बार माफ, दो बार माफ, ज्यादा से ज्यादा तीन बार माफ, फिर क्या माफी करते रहेंगे? समझ जाएगा दो दिन में। हाँ हाँ, तो टाइम वेस्ट करेगा ना। तो ऐसी आत्मा को पहले से बता दो कि ऐसे नहीं है कि बार बार आप गलती करते रहें और बार बार को आपको समझानी मिलती रहेगी। फिर जब कभी बाबा का संदेश ना दो तो बाबा क्लास है तो कहेंगे आपको बताया क्यों नहीं है? बताया क्या? यहाँ तो नियम है कि आप रेगुलर क्लास करेंगे तो बाबा की क्लास में बुलाए जाएंगे। दो महीने तक आपका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा तो बाबा समझते हैं बच्चा मर गया। और जब कभी भक्ति बार की तरह आएंगे, दो मिनट टेस्ट लेंगे और चले जाएंगे, वो तो बच्चे ऐसे हैं। हाँ, तो दर्शन तो करके जाते हैं परिवार के, परिवार में श्रद्धा तो है, है। और बाबा अहंकार और गर्व में क्या अंतर है? अहंकार और गर्व, अहंकार होता है देह अभिमान का सूचक और गर्व है आत्मा अभिमान का सूचक। हमें इस बात पर गर्व है कि हम ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं, हमने ईश्वर बाप को पहचाना है। ये अहंकार है या गर्व है? गर्व है। और बाबा मुरली में कहे हैं कि करण करावन हार मैं ही हूँ। सही कहा है। बिगाड़ने और बनाने वाले भी तो बाबा हैं। शिव बाबा बिगाड़ता भी है, है? फिर तो उसका नाम शिव नहीं होना चाहिए, फिर तो शिव और सब दोनों इकट्ठा कर दो। शिव मुर्दा है, क्या है शिव माने का क्या होता है? उसका नाम क्या है? उसका असली नाम क्या है? शिव है, और कोई दूसरा नाम तो है ही नहीं, क्योंकि दूसरे दूसरे शरीर वो बदलता नहीं है, उसका अपना शरीर होता भी नहीं है, वो तो सिर्फ आत्मा है। आत्मा का ही नाम शिव है। नाम काय के आधार पर रखा जाता है, काम के आधार पर नाम रखा जाता है। तो उस आत्मा ने क्या काम किया? जो भी काम किया, आंखों से भी जो काम किया,
कोई साबित नहीं कर सकता है कि उसने पतित काम किया। वो ही काम मनुष्यों ने किया, दीदी दादी दादा हैं और बेसिक में खूब कर रहे हैं, दृष्टि का लेन देन कर रहे हैं कि नहीं, तो पतित बन रहे हैं बना रहे हैं या पावन बन रहे हैं बना रहे हैं, है? पतित बन रहे हैं बना रहे हैं तो उन्हें सेवक हैं, है? नहीं कह सकते। एक शिव ही है, कोई भी कर्म इंद्रियों से कोई भी काम करेगा, कोई भी प्रकार की वाचा बोलेगा, कैसे भी माहौल में बोलेगा, कैसे भी व्यक्तित्व के सामने बोलेगा, उसका रिजल्ट कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं हो सकता, इसलिए उसका नाम शिव है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है। ये नहीं कि वो ही बिगाड़ने वाला है, वो ही बनाने वाला है, ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं न जानने के कारण। प्यार का सागर कहा जाता है, भगवान को कभी मार का सागर कहते हैं क्या? सुख का सागर कहा जाता है, कभी दुख का सागर कहा जाता है क्या? कहा जाता है नहीं, वो तो सदैव ही प्यार का सागर है। करणहार भी है तो जो भी ब्रह्मा के रूप में करता है, ब्रह्मा के रूप में जो भी कार्य किया है वो कल्याणकारी कार्य किया है, करके दिखाया। बच्चों से ये संभावना कभी नहीं की कि बच्चे भी करके दिखाएं। बच्चे अच्छा करते रहे या बुरा करते रहे, कभी बच्चों को टेढ़ी आंख से नहीं देखा, कभी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई, प्यार ही प्यार दिया। तो करणहार है, अच्छे का करणहार है, बुरे का नहीं। फिर दूसरा पार्ट भी है इसके अपोजिट, खुद करे या न करे लेकिन बच्चों से करा के छोड़ेगा, वो करावनहार का पार्ट है, करणहार का नहीं है। दोनों ही पार्ट के लिए ये नहीं कह सकते कि वो दुखदाता है। और तैयार होंगे कोई भी असुर उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, कोई भी असुर उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे जी। तो वो जो उसके आत्माएं रहेंगी उसके लिए केंद्र, तो उनकी कैसी अवस्था होगी? है जो उसके लिए केंद्र आत्माएं रहेंगी, हाँ, तो उनकी कैसी अवस्था होगी? अच्छी अवस्था होगी, ऐसी किली हुई अच्छी अवस्था होगी कि नीची स्टेज वाले उसमें आने का साहस ही नहीं करेंगे। दुखी क्यों हो जाते हैं? बाबा ने तो बता दिया, जो अच्छा वैद्य होता है वो ऐसी दवाई देता है कि दबी हुई बीमारी सारी बाहर निकलती है, तो जो कमजोर होंगे वो तो घबरा जाएंगे, और जो पावरफुल होंगे वो तो पूरी दवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, पूरी दवाई करेंगे। जिनको कुछ नहीं होता है वो ही अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो घबरा के भाग खड़े होते हैं वो और ज्यादा आगे चल के दुखी होंगे। उनको पता ही नहीं है कि माया की गोद में चले गए। और बेसिक में तो नीची पढ़ाई है तो परीक्षा भी
नीची है और एडवांस में तो पढ़ाई ऊंचे स्तर की है, तो परीक्षा भी ऊंचे स्तर की है। ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए कि हाँ भगवान का ज्ञान चल रहा है तो हम इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। अरे ज्यादा दुखी हो रहे हैं इससे साबित होता है कि तुम्हारे कर्म बंधन जल्दी जल्दी खलास हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हल्के हो रहे हो, तुम्हारा काम जल्दी होने वाला है। और साईं के एक हाथ में कृष्ण और दूसरे हाथ में राम है, साईं जी के एक हाथ में कृष्ण और दूसरे हाथ में राम है, उसके एक हाथ में साईं बाबा के एक हाथ में कृष्ण और दूसरे हाथ में राम, कृष्ण एक हाथ में कृष्ण दूसरे हाथ में राम, और एक हाथ में राम कौन से हाथ में कृष्ण, दाहिने हाथ में कृष्ण। साईं बाबा अपने को भगवान बताते हैं कि इंसान बताते हैं, क्या बताते हैं है? भगवान बताते हैं। और यहाँ भगवान क्या बताते हैं, हमारे दाएं हाथ की तरफ कौन सा पार्टदारी है, है? कृष्ण पार्टदारी है और बाएं हाथ की तरफ राम पार्टदारी है, तो असली भगवान भी यही बता रहा है और भक्ति मार्ग का साईं बाबा नकली भगवान भी वो ही बात बता रहा है। दाया हाथ प्रवृत्ति मार्ग है और बायां हाथ निवृत्ति मार्ग है। हाँ तो मतलब कृष्ण जो जी प्रवृत्ति मार्ग के और राम जो की निवृत्ति मार्ग है, मतलब कृष्ण जो की प्रवृत्ति मार्ग है। हाँ तो उनके साथ सत्युग में जो संगिनी बनेगी वो उनके साथ नहीं है, है कि नहीं? और राम वाली आत्मा के साथ है? सतयुग में त्रेता में जो 21 जन्म की संगिनी बनेगी वो राम वाली आत्मा का जो पार्टधारी है उसके साथ है? प्रैक्टिकल में है? नहीं है, तो ठीक बात तो है। वो निवृत्ति मार्ग वाला हो गया, वो प्रवृत्ति मार्ग वाला हो गया। वो प्रवृत्ति मार्ग का है इसलिए क्योंकि जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं वो अपने को गिरी हस्ती समझते हैं या उठी हुई हस्ती समझते हैं, गिरी हस्ती। उसकी प्रवृत्ति किसके साथ है? बाएं हाथ वाले की प्रवृत्ति है किसके साथ? शिव के साथ है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती। तो असली प्रवृत्ति तो वो ही है जो भगवान के साथ अपनी प्रवृत्ति बनाए। सन्यासी लोग उल्टा कर देते हैं, वो अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके भागते हैं और भगवान के साथ भी प्रवृत्ति निभा नहीं पाते, जानते ही नहीं तो निभाएंगे कैसे। हाँ एक तरफ स्थापना के नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नगाड़े, एक तरफ परमधाम के गेट खुलेंगे और दूसरी तरफ सुखधाम के गेट खुलेंगे। तो क्या सूक्ष्म में खुलेंगे या स्थूल में खुलेगा? सूक्ष्म में माने प्रैक्टिकल में नहीं होगा, प्रैक्टिकल में भी पैराडाइज होगा, प्रैक्टिकल में भी निराकारी धाम होगा। वहां बैठने वाले जितने भी होंगे बाबा के बच्चे वो सब निराकारी स्टेज में होंगे, कोई भी देहभान की स्टेज में नहीं होगा। कमाल की बात, जब बता दिया कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में
40 से 50 वर्ष लगेंगे। तो आत्माएं एक चुटकी में निराकारी बन जाएंगी या अपने अपने नंबर पर बनेंगी? तो टाइम अलग अलग होगा या एक ही टाइम होगा? अलग अलग टाइम होगा। तो ज्यादा टाइम क्यों कर रहे हैं? तो जल्दी जो पहली परिवार की इकाई है उसी में पहुंच जाओ, ये तो तुम्हारे हाथ की बात है, किसी दूसरे के हाथ की बात है क्या है? अरे तुमको किसी ने बंधन में डाला है क्या? आप 10 साल के बाद की ही बात क्यों सोच रहे हैं? 10 साल के शुरुआत में ही क्यों नहीं सोच रहे? जैसा संकल्प का बीज बोएंगे वैसा ही वृक्ष या पौधा काटेंगे। और बाबा माउंट आबू में जड़ यादगार है और चैतन्य यादगार बनने जा रहा है, उसमें केवल तपस्या ही दिखाया गया या सेवा नहीं दिखाया? तपस्या मनसा से ज्यादा होती है या कर्मेंद्रियों से ज्यादा होती है या वाचा से ज्यादा होती है? बात खत्म। गुरुजी में आया है कि जब एक तरफ से हाहाकार होगा तो तुम बच्चों का दूसरी तरफ जय जयकार होगा, इसका मतलब हम बच्चे जय जयकार का काम करेंगे तो हमारी जय जयकार होगी? जिन्होंने काम ऐसे किए हैं भगवान के आने के बावजूद भी कि भगवान की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, तो हाहाकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? विनाश की आग में झुलस जाएंगे, हमारे लिए नई दुनिया तैयार हो जाएगी और उनके लिए विनाश की आग तैयार हो जाएगी। विनाश की आग में जो जलेगा तो जय जयकार करेगा क्या? वो तो हाहाकार मचाएगा। ये विप्र नहीं है, विप्र माने ब्राह्मण, ये ब्राह्मण नहीं है क्या? है ब्राह्मण तो है, ये गैया नहीं बैठी हुई है धेनु? अरे है या नहीं? यही तो सच्ची गैया है, उन्होंने तो जानवर गऊओं के लिए समझ लिया है। और परेशान हो चुकी है, मतलब बुजुर्ग हो चुकी, ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी है, तो वो 2018-36 तक रहेंगे उस शरीर को? ये किसने कहा जो शरीर से बुजुर्ग हो गए वो 2018 में मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे? कोई जरूरी है? जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो 100 साल की उम्र नहीं रहते हैं। ब्रह्मपुत्री जब कहा जाता है तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मपुत्री नदी, क्या ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा। बाबा जानते हैं कि रुद्रमाला के मन के पुत्रा है कि पुत्री है? पुत्रा है।
और वही जब विजय माला और रुद्र माला के संस्कार मिलकर एक हो जाएंगे तो भक्ति मार्ग में नाम चल जाएगा। ज्ञान मार्ग में कहते हैं प्रजा पिता, और भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? प्रजा पति। तो अंतिम स्टेज का नाम है और गायन होता है, अंतिम स्टेज है ब्रह्मपुत्री। और बाबा शिव बाबा रौद्र रूप कब और क्यों धारण करते हैं? नहीं सुधरते हैं तो कैसा रूप धारण करना पड़े? भूत नहीं भागते हैं तो क्या करना पड़ता है? कैसे भूत भागते हैं? कहते डंडे से भूत भाग जाते हैं। और अभी भी इंडिया के अंदर जो शासन चल रहा है और जो भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, कोई नेता ऐसे ठेका ले रहा है कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे एक साल के अंदर? नहीं, नहीं। लेकिन इस बात को सब समझते हैं कि पाकिस्तान में तो बार बार मार्शल ला लागू होता रहा, मिलिट्री शासन बनता रहा, इंडिया में एक भी बार मिलिट्री शासन नहीं हुआ है। लेकिन अगर एक बार भी मिलिट्री शासन हो गया तो सुधर जाएंगे या बिगड़ जाएंगे? सुधर जाएंगे। इसलिए मुरलियों में बोला है रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर, जब उधर मार्शल ला लगेगा तो इधर भी मार्शल ला लागू हो जाएगा। जो नहीं सुधरते हैं वो भी सुधरने लग पड़ेगा। जब ड्रामा का अंत होता है तो सब खड़े हो जाते हैं स्टेज पर। पुरुषार्थ की स्टेज है जो आराम से सोए बैठे रहते हैं, कोई तक ध्यान ही नहीं देता अमृत वेला क्या चीज है। पहली इकाई परिवार की पहली इकाई। इकाई का संपन्न स्टेज 18 तक बनेगा। हाँ जी। तो जो इस समय आ रहे हैं जो इस समय लोग आ रहे हैं उनका जो इस समय लोग आ रहे हैं ज्ञान में उनका संपन्न स्टेज तो क्या हुआ कब तक बनेगा? जो पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है, लास्ट सो फास्ट नहीं जा सकते। अभी जो लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं वो फास्ट में जाकर आज की लिस्ट में नहीं आ सकती। आ सकती है। कंस को मारते हैं, कृष्ण जब कंस को मारते हैं तो कंस बोलता है प्रभु अपनी लीला दिखाओ। कृष्ण जब कंस को मारते हैं तो कृष्ण कंस बनता है कि नहीं है? तो खुद ही खुद को मार लेता है। राम रावण बनता है और कृष्ण कंस बनता है, तो रावण को कंस को कौन मारेगा? अरे जो राम होगा वो रावण को मारेगा, जो कंस होगा जो कृष्ण होगा वो कंस को मारेगा। बाबा कंस कहते हैं कि ये प्रभु अपनी लीला दिखा तो कृष्ण के रूप में आया है। बोलता है कि ये प्रभु अपनी लीला दिखा तो कृष्ण के रूप में आया है। उससे कहता है कंस अपनी लीला दिखाओ, तो कृष्ण उससे बड़ा कंस बनेगा छोटा कंस बनेगा? बस यही लीला है। सीता रावण की जेल में थी तो क्या खाती पीती थी? कहते हैं रावण का अन्न जल त्याग दिया था,
अरे राम का अन्न और रावण के अन्न में भेद होगा कि नहीं होगा? राम के जल में और रावण के जल में अंतर होगा या नहीं होगा? राम का जल है ज्ञान जल और रावण का जल है अज्ञान जल, भक्ति मार्ग की बात है। राम का अन्न है बाप की याद, आत्मा का भोजन क्या है? याद, स्नेह, अब भी विचारी स्नेह। सीता जब रावण की जेल में होगी तो ज्ञान योग के सिवाय कुछ दिखाई पड़ेगा ही नहीं। क्या खाना और क्या पीना, खाने पीने में बुद्धि लगी रहेगी क्या? नहीं। बाबा भक्ति मार्ग में वो गाय के पूंछ में न्याय पान करके लोग बचरनी नदी पुराते हैं, नदी का बेहद मुख्या है। दीपक ऊपर नाव पर रख करके पुराते हैं बचरनी। पूंछ क्या होती है? पूंछ माने क्या? पूंछ किसे कहते हैं? कृष्ण के माथे पर किसकी पूंछ होती है? मोर की पूंछ होती है। वो पवित्रता की पूंछ है। मोर को कभी किसी ने विकार में जाते हुए नहीं देखा। मोरनी मोर का आंसू पीती है, विकार में नहीं जाती। तो पूंछ देह अभिमान की सूचक है। कृष्ण का जो देह अभिमान है वो उच्च कोटि का देह अभिमान है, श्रेष्ठ देह अभिमान है। ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकार होंगे ही नहीं, लेकिन उनका रूप परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही ये गाय की पूंछ है। प्राणियों में सबसे सीधा साधा जानवर कौन सा माना जाता है? गाय। कहते ये तो गऊ है, जैसे चलाओ वैसे चलती है। भारत की कन्याएं ही गऊ का काम करती है। भारतीय कन्याओं को माँ बाप जीवन में जिस खूंटे से बांध देते हैं सारा जीवन उसी खूंटे से सीधा साधा होकर बंधी रहती है। ऐसे नहीं कि उनको देह अभिमान होता नहीं है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले कम होता है। इसलिए कन्याओं माताओं को ज्ञान कलश दिया है बाप ने, उनमें देहभान कम है, सीधी सादी पूछ है। पुरुषों में देहभान जास्ती होता है। महाकोटी और महाकामी होते हैं। तो गंगा सागर मेले पर ये दृश्य दिखाया जाता है कि गाय की पूंछ पकड़ करके विषय वैतरण नदी पार करते हैं। ये सारा संसार विषय सागर है। विषय सागर को सन्यासी जंगल में जाकर के नहीं क्रॉस कर सकते। जो सन्यास धर्म की आत्माएं हैं उनको भी पवित्र बनने के लिए ये बाप का गीता ज्ञान लेना पड़ेगा, जो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। प्रवृत्ति में उनको आना पड़ेगा। तभी ही पवित्र बनेंगे। माता को गुरु बनाना पड़े, माता को फॉलो करना पड़े। अभी तो सभी पुरुष माताओं के ऊपर कन्याओं के ऊपर काबिज होना चाहते हैं,
उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, लेकिन उससे निस्तार नहीं होगा। निस्तार तब होगा जब उन कन्याओं माताओं रूपी गऊओं को फॉलो करेंगे, उनकी पूछ पकड़नी पड़े, जब उन कन्याओं माताओं को ही भगवान बाप आकर के शिव की शक्ति बनाता है, वो कन्याएं माताएं ही पूरा पूरा फॉलो करती हैं। इसलिए गाय की पूछ दिखाई गई है। और अगर खड़े रहेंगे तो अपने अंदर भी विश्वल आ जाएगा। हाँ? तो बाबा भगवान की अगर ग्लानी करे तो उसका लड़के मुकाबला करने के लिए, भगवान की कोई ग्लानी करे तो क्रोध में ग्लानी करता है, क्रोध में आकर के ग्लानी कर रहा है और हम उसका मुकाबला करेंगे तो उसका क्रोध और बढ़ेगा घटेगा, और ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए किनारा करना अच्छा है। बाबा तो सद्गुरु निंदा ठहर न पाए, मतलब सद्गुरु जो निंदा कर रहा है वो ठहर नहीं पाएगा। हम थोड़े निंदा कर रहे हैं, हम तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते, हियर नो एवी, हमने सुना अनसुना कर दिया, हम तो वहां से खिसक गए, किनारा ले लिया। मुरली अगर कोई ऑब्जेक्शन लगे तो बंद कर देना चाहिए। मुरली बंद करने के लिए अगर बोले तो बंद कर देना चाहिए। मुरली को बंद करने के लिए बोले, मुरली लगा चालू किए हैं सुनते रहे तो आके बंद कर दें तो अरे हम उसकी रोटी दाल खा रहे हैं, वो हमारी पालना कर रहा है, उसने गुमूत हमारा साफ किया है, हमको मूत से पैदा किया है, तो वो हमारे ऊपर इतना हुद्दा नहीं कर सकता कि हमारे कंट्रोल में चलो, या तो फिर हम उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएं, भगवान के कंट्रोल में चले जाएं। और